साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज लेके आए हैं हम नया मंत्रिमंडल, नवीन मंत्रिमंडल जो आया है उसकी पूरी जानकारी। कई सारे नए मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, बहुत सारे मंत्रियों के विभाग चेंज हुए हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि इससे बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो, क्या बदलाव हुए हैं मंत्रिमंडल में। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, इनकी जो भी जिम्मेदारियाँ थीं, जो भी विभाग थे, जो भी मिनिस्ट्रीज थीं, वो वैसे के वैसे ही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो केवल पीएम के पास ही होती हैं, चाहे पीएम कोई भी हो, जैसे एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीएम के पास ही होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी भी देश के लिए, और इसीलिए ये केवल नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो डायरेक्ट इसको गाइड करते हैं, इनके लिए, इन मिनिस्ट्रीज़ को। फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स में राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले भी इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी। अमित शाह को थोड़ा सा बदलाव है, पहले केवल ये होम मिनिस्टर थे, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी दे दिया गया है, तो अब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी इनके पास होगी। नितिन गडकरी जो है कोई बदलाव नहीं किया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर थे और अभी भी इनके पास जो है यही मिनिस्ट्री है। निर्मला सीतारमण के जो पोर्टफोलियो है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनके पास अभी भी हैं। फिर नरेंद्र सिंह तोमर का बदलाव हुआ है, पहले ये जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री, हालांकि ये विषय भी ग्रामीण विकास से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री अलग है, इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कृषि और जो किसान कल्याण विभाग है, मिनिस्ट्री है, उसको इनको दिया गया है। फिर है दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स इनको दिए गए हैं, आप जानते ही होंगे, ये जो है इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज जो IFS होते हैं वो अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी, और इंडिया US रिलेशंस को लेके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और 2016 में इनको उसके बाद जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर बनाया गया था। अगला है दोस्तों अर्जुन मुंडा, इनका भी कोई बदलाव नहीं किया गया है पोर्टफोलियो में, ट्राइबल अफेयर्स जनजाति जो मुद्दे हैं उनको दिया गया है, ज्यों का त्यों। स्मृति ईरानी को जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास की बागडोर संभालने को कहा गया है। अगला आते हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, कोई बदलाव नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो कपड़ा उद्योग है वो भी पीयूष गोयल के पास, तो दो तीन महत्वपूर्ण जो हैं इनके पास मिनिस्ट्रीज हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये दिए गए हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रहलाद जोशी को देखें तो संसदीय मुद्दे, कोयला और माइंस, यानी कि खनिज और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे। फिर नारायण तत्तुराने ये होंगे आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उनको देखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, आपने को पता होगा असम की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष और पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज, जो जलमार्ग होते हैं हमारे, जो बंदरगाह होते हैं, और जो आयुष मिनिस्ट्री है वो सर्बानंद सोनोवाल को दी गई है। फिर मुख्तार अब्बास नकवी, और इनको दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स, मुख्तार अब्बास नकवी स्वयं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और इसीलिए इनको माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को दिया गया है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, तो ये जो है वीरेंद्र कुमार खट्टी को दिया गया है। फिर है गिरिराज सिंह, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो ये जो है मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं यहाँ से। कुछ नए नाम भी आपको इसमें दिखेंगे, जैसे ज्योतिराज सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो उड्डयन विभाग इनको दिया गया है,
जो सिंधिया जो है पहली बार सिंधिया परिवार से कोई कांग्रेस के अलावा किसी मंत्रिमंडल में मंत्री बना है कैबिनेट में, तो ये बहुत ऐतिहासिक जो है बात थी। और साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र से जो है अब दो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी होंगे और ज्योतिराज सिंधिया जी होंगे, तो अब वहाँ दो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके पास है, रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास। श्री अश्विनी वैष्णव, इनके पास है रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग अश्विनी वैष्णव के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ये मैं बताना भूल गया, रामचंद्र प्रसाद नए मंत्री हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया पहली बार शामिल हुए हैं वैसे ही रामचंद्र प्रसाद सिंह भी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। श्री पशुपति कुमार पारस, ये भी पहली बार जो है शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में, इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री रहेंगे। फिर एक गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी नए मंत्री हैं, तो इनके पास है जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके पास है। किरण रिजिजू, पहले इनके पास स्पोर्ट्स हुआ करता था और अब इनको चेंज करके दिया गया है लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। राजकुमार सिंह, इनके पास है पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये जो भी जिस भी तरह की ऊर्जा होती है उन सभी के मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। हरदीप सिंह सूरी, आपको पता होगा हरदीप सिंह सूरी बहुत जाना पहचाना नाम आपने पढ़ा होगा यूएनओ में, जो कि संवाद जो हमारे प्रतिनिधि थे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने भी, तो इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है। मनसुख मांडविया, इनको दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो मोस्टली आप देखते होंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके पास रहता है, उसके पास केमिकल और फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री भी रहती है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का जो है मंत्री कौन है और आपको पता नहीं है लेकिन आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मंत्री पता है, तो आप एक तुक्का लगा सकते हो, बहुत सही, 99% वो सही भी हो सकता है। भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इनके पास भूपेंद्र यादव जी के पास है। महेंद्र नाथ पांडे 27वें क्रम में हैं, हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग जो है इनको दिए गए हैं। परसोत्तम रूपाला, फिशरीज दिए गए इनको, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। फिर है किशन रेड्डी, इनको कल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं परीक्षा के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप एक बार। अनुराग सिंह ठाकुर, ये बहुत फेमस बने रहते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो अब जो किरण रिजिजू का मिनिस्ट्री थी वो आप देखते हो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये जो चीज़ें हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर के पास आ गई हैं, तो ये बहुत चर्चा में रहते हैं। बीसीसीआई में भी जो है इनका नाम रहता है, क्रिकेट की वजह से भी इनका नाम रहता है, तो ये चर्चा में रहने वाले जितने लोग हैं उनका जरूर आप जो है याद कर लें कि कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी इनको मिली है। तो ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो जो है इसमें, एक बार जरूर आप इनको एक बार ही देख लें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री ही ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार देख लेंगे तो आप के लिए एक संपूर्ण तैयारी आपकी हो पाएगी, और इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर डाल दी जाएगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।